subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हेलो गाइस, दिस इज ज्योति एंड यू आर वाचिंग पॉप बॉलीवुड। दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाली हूँ लक्ष्मण उत्तेकर द्वारा निर्देशित फिल्म लुका छुपी। वेल, इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद हर कोई इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फाइनली ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों द्वारा ये मूवी को बहुत ही पसंद भी किया जा रहा है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इस मूवी के बारे में। दोस्तों, पिछले साल अपनी करियर की पहली सौ करोड़ फिल्म दे चुके कार्तिक आर्यन, जिसका नाम था सोनू की टिटू की स्वीटी। इस मूवी से हर किसी की दिलों की धड़कन मन चुकी कार्तिक आर्यन एक बार एक मज़ेदार फिल्म लेकर आप सबके सामने हाजिर हो गए, जिसका नाम है लुका छुपी। इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर में है कृति सेनन और कार्तिक आर्यन, लेकिन इस मूवी की जान बने हैं पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और विनय पाठक। इस मूवी में काफ़ी मज़ेदार पंच लाइन्स भी है जो कि आप सबको मजबूर कर देगी हंसने पे। और इस मूवी का जो कि कंटेंट है लिविंग रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी अच्छे से इस मूवी को दर्शाया गया है। बिकॉज आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो लिविंग रिलेशनशिप में काफ़ी बिलीव करते हैं, लेकिन इंडिया का कल्चर कुछ ऐसा है कि वो इस मुद्दे को अडॉप्ट नहीं कर पाता है। तो इस मूवी के जरिए इस मुद्दे को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाया गया कि कैसे आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो शादी के पहले एक दूसरे को जानना पसंद करते हैं, एक लिविंग रिलेशनशिप में रहकर एक दूसरे के बारे में जानना पसंद करते हैं, उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें शादी करनी है या नहीं। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस मुद्दे को इस मूवी के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, लुका छुपी मूवी एक रोमांटिक लव स्टोरी मूवी है और इसमें कृति सेनन और कार्तिक आर्यन की जो केमिस्ट्री वो लाजवाब है। उनकी केमिस्ट्री को देखकर आप भी उनके फैन हो जाएंगे, आपको भी उनकी केमिस्ट्री काफ़ी पसंद आएगी। एक्टिंग की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्तिक और कृति ने तो काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की है, लेकिन इसमें जो दिग्गज एक्टर है पंकज त्रिपाठी है, अपार शक्ति खुराना है और विनय पाठक है, इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। इस मूवी में बीच बीच में आपको ये भी फील होगा कि मतलब अपार शक्ति खुराना को स्क्रीन पर थोड़ी देर और रुकना चाहिए, बिकॉज वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। इससे ना दर्शक कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं, बिकॉज जिस तरह से अपार शक्ति खुराना ने खुद को रिप्रेजेंट किया है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन्हें खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश की। तो इससे दर्शक उन्हें जैसे कि वो आते और कम बहुत ही कम समय में वो स्क्रीन से गायब भी हो जाते, तो फिर कहीं ना कहीं दर्शक इस बात से बहुत नाराज़ है। तो वही पंकज त्रिपाठी जैसे कि हमेशा से वो जो भी फिल्में करते हैं, जो भी रोल उन्हें दिया जाता है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाते हैं और वो हर रोल के जैसे कि बहुत परफेक्ट माने जाते हैं। तो इसमें भी उनका रोल है वो बहुत परफेक्ट है। उनकी जो कैरेक्टर है, उनके कैरेक्टर को लेकर आपको अपने आप हंसी आ जाएगी और वो जो भी पंच लाइन यूज़ करते हैं, जो भी कॉमेडी करते हैं, उसे देखकर आप खुद में खुद हंसी देंगे। वही दोस्तों, बात कीजिए इस मूवी के सॉन्ग्स के बारे में, तो सॉन्ग्स वैसे ज़्यादा तो फेमस नहीं हुए, जैसे कि इसमें सॉन्ग्स वो रीमेक भी है, पहले गाने का रीमेक वर्जन भी किया गया, लेकिन इस मूवी का जो सॉन्ग है कोका कोला और लॉन्ग लाइफ छी वो दर्शकों को बहुत पसंद आया है। लेकिन इसका जो सॉन्ग है, जो मेन सॉन्ग है, जो कि ओरिजिनल सॉन्ग है दुनिया, ये सॉन्ग दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है, उनको ये सॉन्ग बहुत इंप्रेस कर रही है। वही बात की जाए डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन ढंग से की गई है, बहुत ही अच्छी डायरेक्शन की है लक्ष्मण उत्तेकर जी ने। लेकिन इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ वो बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरटेनिंग है। सेकेंड हाफ थोड़ा सा आपको बोरियत कर देगा क्योंकि वो बहुत स्लो है, अगर इसे थोड़ा और टाइट रखा जाता तो मूवी बहुत ही इंटरटेनर साबित होती। तो दोस्तों, ये मूवी वैसे ओवरऑल तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरटेनिंग है। आप इस मूवी को जाके देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ भी आप देख सकते हैं। और वैसे तो मूवी जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी स्लो है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मूवी आपको काफ़ी एंटरटेन भी करेगी। मैं इस मूवी को देना चाहती हूँ 3.5 स्टार। अगर दोस्तों आपने मूवी देखी, अगर आप इस मूवी का प्लान बना रहे तो आप उस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड है, और अगर आपने मूवी देखी तो आपको ये कैसी लगी हमें ज़रूर बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन के जरिए, और पॉप बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।